तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 10वें लेक्चर की। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो पहले अपनी किताब में देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ पर है। तो ये हमारी बुक है, इसकी शुरुआती जो लाइनें हैं कुछ वो पढ़ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट द बैटरी और अ सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी और सेल जो लगे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। ये जो बैटरी और सेल आप देख रहे हैं सर्किट के अंदर लगे रहते हैं, ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। तो वो जो एनर्जी है वो क्या क्या काम करती है ये समझ लीजिए। वो एनर्जी एक तो इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको मूव करवाने का काम करेगी। वो एनर्जी क्या करेगी, सर्किट के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो वो एनर्जी का एक काम तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो इस एनर्जी का जो सेल के अंदर या बैटरी के अंदर एनर्जी होती है, इस एनर्जी का पहला काम है क्या करवाना, करंट को मेंटेन करवाना। लेकिन इस एनर्जी का एक और काम होता है, इस एनर्जी की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हीट हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने बल्ब को देखा होगा, बल्ब जब इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ ही देर में बल्ब जो है वो हीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और कोई भी चीज़ लगाते हैं, टीवी लगाते हैं या इलेक्ट्रिक फैन लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो वो भी कुछ देर में क्या होता है, हीट हो जाता है। तो ये जो हीट इनके अंदर जनरेट हो रही है, ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है, इस बैटरी की वजह से जनरेट हो रही है। तो बैटरी या सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसके दो काम होते हैं, पहला काम करंट को मेंटेन करना और दूसरा काम इस एनर्जी का होता है हीट जनरेट करना। हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इस्तेमाल किया जाता है वो हीट जरूर होता है, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे आपने कई बार देखा होगा कि मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, कुछ देर बाद हीट हो जाता है। तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमने समझा कि बैटरी और सेल जो होती है उसकी एनर्जी के दो चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो करंट को मेंटेन करने में और दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या सर्किट के अंदर हीट जनरेट करने में। ठीक है, तो अपनी बुक में पढ़ लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो बुक में आगे लिखा हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ दैट सेट द इलेक्ट्रॉन इनटू मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू द रजिस्टर्स और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। तो बैटरी का काम क्या होता है कि जो जो दो टर्मिनल हैं उनके बीच में क्या क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, और उसी की वजह से सर्किट में करंट का फ्लो हो जाता है। आगे लिखा है वी ऑल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 जो पीछे पढ़ा था, दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। सोर्स को अपनी एनर्जी लगातार खर्च करते रहना पड़ता है जिससे कि सर्किट के अंदर करंट क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। सोर्स से मतलब यहां पर क्या है, बैटरी से और सेल से। तो ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सेल का बैटरी का पहला काम होता है क्या करना, करंट को मेंटेन करना। इसके आगे लिखा है कि वेयर डज दिस एनर्जी गो, इसकी जो एनर्जी होती है वो जाती कहां है आखिर। तो एक काम तो ये हो गया, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू द यूजफुल वर्क। एक हिस्सा तो यूजफुल वर्क में खर्च हो जाता है, जैसे कि रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द फैन, इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड है उनको घुमाना, ये एक यूजफुल काम है क्योंकि हमें हवा चाहिए होती है पंखे से। तो उस एनर्जी का एक हिस्सा तो पंखे को घुमाने में खर्च हो जाता है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इनटू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, लेकिन बाकी जो बची हुई एनर्जी है उसकी वजह से गैजेट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। वो कोई यूजफुल वर्क नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन जो है हमारा हीट हो जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, हमारा जो बल्ब है वो रोशनी तो दे, ये तो हम चाहेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि वो क्या हो जाए, हीट हो जाए। तो ये हीट जो है वो अननेसेसरीली जनरेट हो रही है।
ये तो ठीक है, पंखा चल रहा है यूजफुल वर्क हो रहा है, बल्ब से लाइट मिल रही है यूजफुल वर्क हो रहा है, लेकिन वो जो साथ में हीट हो रहा है ना, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से इन चीज़ों के अंदर हीट क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। आगे लिखता है कि वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म, इट इज़ यूज कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक जब इलेक्ट्रिक फैन का इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द रजिस्टर्स ओनली टू द बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर वो प्योरली रजिस्टिव हो, देखो यहाँ पे लिखा, अगर सर्किट कैसा हो, प्योरली रेजिस्टिव हो। अब प्योरली रेजिस्टिव क्या होता है, इसका मतलब समझो जरा। देखो इस सर्किट में तुम्हें खाली यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टर लगा हुआ, अगर ये पूरा सर्किट ही ऐसे ऐसे करके बना दिया जाए तो ये पूरा सर्किट क्या कहलाएगा, प्योरली रेजिस्टिव कहलाएगा। आपने हीटर देखा होगा जरूर, इलेक्ट्रिक हीटर, तो मैं उसका डायग्राम थोड़ा सा बना के समझाता हूँ तुम्हें। तो ये मैंने यहाँ पे हीटर बना दिया, हीटर के अंदर की जो कॉइल होती है आप सभी ने ध्यान देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है हीटर, जो खाना पकाने वाला हीटर होता है या फिर हाथ सेकने वाला हीटर होता है उसकी कॉइल इस तरह की होती है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब जैसे यहाँ तो एक ही जगह पे रजिस्टर लगा है, यहाँ पे इस पूरी कॉइल में पूरा की पूरी कॉइल जो है वो एक रजिस्टर की तरह से ही होती है। तो अगर ऐसे कोई सर्किट है जो पूरी तरह से रेजिस्टिव है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आएगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि हीटर का जो इस्तेमाल है वो लाइट के लिए नहीं किया जाता, किसके लिए किया जाता है, हीट के लिए। तो जब भी हमें अपने इलेक्ट्रिक करंट से हीट चाहिए होगी तो हम अपने सर्किट को पूरी तरह से कैसा बना देंगे, रेजिस्टिव बना देंगे, यानी कि पूरा रेजिस्टेंस से भरा हुआ होना चाहिए हमारा सर्किट। अब जैसे ये सर्किट है इसमें केवल दो जगह पर रजिस्टर्स हैं, एक इस बल्ब के अंदर और एक ये सिंपल रजिस्टर, तो केवल यहीं पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बाकी वायर के अंदर उतनी हीट जनरेट नहीं होगी। क्योंकि मान लो अगर वायर में हीट जनरेट होने लगे तो वायर क्या होगी, जल जाएगी और उसमें आग लग जाएगी, और ऐसा कई बार होता भी है जब घरों में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। तो इसीलिए कॉपर की प्योर वायर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से उसमें कम हीट जनरेट होती है। तो फिलहाल बात चल रही थी कि अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो जितनी भी उसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। 99% पार्ट जो है वो हीट बना देगा और सिर्फ 1% से हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, आगे इसमें लिखा है कि दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो चीज़ें हीट हो जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन ईटीसी। और ऐसा नहीं होता कि इस हीटिंग इफेक्ट से हमेशा नुकसान ही हो, क्योंकि देखो पंखा गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर वो फूक सकता है, बल्ब गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर वो फ्यूज भी हो सकता है। तो कई बार हमें हीटिंग इफेक्ट से क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाए तो नुकसान हो सकता है, टीवी ज़्यादा हीट हो जाए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन हमेशा हीट होने से नुकसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो होती है, मान लो तुम स्कूल जाते हो, जैसे स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हो तो तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, गर्म हो जाए, ताकि तुम जल्दी से अपने कपड़ों पे उसको करो और जल्दी से जल्दी स्कूल जा सको। तो तुम इलेक्ट्रिक आयरन के केस में चाहते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन तुम्हारी जल्दी से हीट हो जाए। मान लो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, टोस्टर में ब्रेड को टोस्ट करते हो, तो चाहोगे कि टोस्टर जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हीट हो जाए। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, इसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें हमें पावर का फॉर्मूला बनाकर दिया गया है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं किया, सिर्फ सीधे सीधे बता दिया है इस तरह से। कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर। एक रजिस्टर आर के अंदर आई करंट का फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, और टाइम जो जितने टाइम के लिए करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना है टी है। देखिए जब भी हीट जनरेट होती है तो उसमें टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है।
अगर आप टीवी 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कम हीट जनरेट होगी, लेकिन उसी टीवी को आप 4 घंटे तक चलाते रहें तो उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे किसका रोल आ रहा है? टाइम का रोल आ रहा है, ठीक है। तो आगे लिखता है कि लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे इस तरह से था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो अगर हम V की मल्टीप्लाई Q में कर देते हैं, W का फॉर्मूला क्या बन जाता है? V इंटू क्यू बन जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू बनता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा है द सोर्स मस्ट सप्लाई द एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी, हैंस द पावर ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी या फिर वी आई। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है वी आई। इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होते हैं उनमें पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं कि सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, टाइम टी के लिए हो रहा है। तो पावर जो जनरेट होगी उसके लिए दो फार्मूले हैं, एक तो P इज इक्वल टू वी आई और दूसरा P इज इक्वल टू वी इंटू क्यू अपॉन टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखता है कि और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज पी इंटू टी। नाइन्थ क्लास में हमने एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था पी इंटू टी इस तरह से। अब एनर्जी को अगर हम यहाँ पे हीट से रिप्रेजेंट करें एच से, और पी की जगह हम क्या लिख दें, पी की जगह हम क्या लिख दें, वी इंटू आई लिख दें और इंटू टी। तो इस तरह से हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी आई टी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एच इज इक्वल टू वी आई टी। इसको कॉपी में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी, ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। अब पावर का जो फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था उसको लिख देते हैं। पावर की जगह आ गया वी इंटू आई और टी ऐसी रहा, और एनर्जी जो है वो हीट की ही एक फॉर्म होती है, तो एनर्जी की जगह हमने हीट लिख दिया। तो इस तरह से हमारा हीट का फॉर्मूला बन गया वी आई टी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हीट निकालने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, इसमें थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। तो इससे V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई आर। वी का फॉर्मूला बनेगा आई इंटू आर। तो ये जो V आप देख रहे हैं इसकी जगह आई इंटू आर रख दिया जाएगा। एक आई वहाँ पे पहले से ही है, टी भी वहाँ पे पहले से ही है, आई और आई इंटू के बन जाएगा आई स्क्वायर, और साथ में आर है और टी है। तो हीट का एक और फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी। और इससे और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखो ये जो आई तुम्हें दिखाई देता है, अगर हम आई को यहाँ पे ले जाते हैं और आर को आई की जगह ले आते हैं वी अपॉन आर, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि V तो ऐसे ही रहेगा, I की जगह हमने लिख दिया V अपॉन R और इंटू टी, ठीक है। तो V की V में मल्टीप्लाई करके बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और इधर हीट चल ही रहा है। तो एक और फार्मूला बन गया। तो पहले हमने क्या किया, V की जगह आई आर लिख दिया, तो ये फार्मूला बना। फिर हमने I की जगह क्या लिख दिया, V अपॉन R, तो एक और फार्मूला बन गया। इस तरह से हम सवाल की जरूरत के हिसाब से हीट के अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले पर फोकस करें तो हमें क्या क्या पता चलता है हीट के बारे में। हीट जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ाओगे हीट उतनी ही बढ़ जाएगी। हीट जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। हीट रेजिस्टेंस के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा जनरेट होगी। अब ये जो हीटर की कोयल है ये प्योरली रेजिस्टिव होती है। अगर हम इस कोयल को हटाकर यहाँ पर सिंपल कोयल लगा दें जैसे हमारा तार होता है, तो ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई खास हीट जनरेट नहीं होगी। लेकिन ये ग्लो करता है क्योंकि ये जो हम लगाते हैं यहाँ पे वायर, ये प्योरली क्या होती है, रेजिस्टिव होती है। अगर प्योरली रेजिस्टिव वायर लगाई जाएगी तो खूब सारी हीट जनरेट होगी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हीट जो है रेजिस्टेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। तो अब आपके पास एक हथियार है कि
अगर आपको इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस बनानी है या फिर आपको टोस्टर बनाना है तो आपको उसका रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा जिससे उसमें ज़्यादा हीट जनरेट हो सके। लेकिन अगर मान लो आप पंखा बनाना चाहते हैं, कूलर बनाना चाहते हैं या फिर टीवी बनाना चाहते हैं तो आपको उसका रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा ताकि उसमें हीट कम जनरेट हो सके, क्योंकि पंखे में, टीवी में और बल्ब में हम नहीं चाहते कि हीट ज़्यादा जनरेट हो। तो अब हमारे पास एक ऐसी चीज़ है रेजिस्टेंस के तरह से कि जब हमें हीट ज़्यादा करनी होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे और जब हमें हीट कम करनी होगी तो रेजिस्टेंस घटा देंगे। तो हीट रेजिस्टेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा हीट जो है वो टाइम के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी अप्लायंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट जनरेट होगी। टाइम जितना बढ़ेगा हीट उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, टाइम जितना कम लेंगे उतनी कम हीट जनरेट होगी। आप मोबाइल अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी हीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक चार्जिंग पे लगा रहेगा तो हीट हो जाएगा, वो कम टाइम के लिए चार्जिंग पे लगेगा कम इस्तेमाल होगा तो कम हीट उसके अंदर जनरेट होगी। तो हीट के बारे में हम यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, हीट कैसे जनरेट होती है, किस किस पर डिपेंड करती है वो सब हमने समझ लिया है। तीन तरह के फॉर्मूले भी हमने हीट के बना लिए हैं, साथ में हमने एनर्जी का भी फार्मूला यहाँ से निकाल लिया। एनर्जी का फार्मूला होता है पी इंटू टी। इसके अलावा हमें पावर का फार्मूला भी अभी अभी बताया गया था, वी इंटू आई होता है पावर का फार्मूला, और एक और होता है उसे हम बाद में देखेंगे जब पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब हम हीट के ऊपर, हीट के जो फार्मूले हमने बनाए हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ध्यान से उनको समझिएगा। अब आप अपने सामने देख रहे हैं लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 12.10, पढ़ लेते हैं कि करना क्या है एग्जाम्पल के अंदर। ये सवाल एक इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पर होगी तो कितनी एनर्जी, किस रेट से एनर्जी लेगी इलेक्ट्रिक आयरन, 840 वाट के हिसाब से। अब देखो इसके पीछे W लगा हुआ देख रहे हो, उससे समझ जाना कि ये पावर है। पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है हमेशा, आपने क्लास 9 में भी पढ़ी थी, वाट का मतलब पावर, ठीक है। तो जब मैक्सिमम होगी हीटिंग तो वो कितनी पावर लेगी, 840 वाट व्हेन हीटिंग, ठीक है, एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। जब हीटिंग मिनिमम होगी तो वो कितनी पावर लेगी, 360 वाट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। वट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, हर एक केस में रेजिस्टेंस निकालो कितना है और करंट निकालो कितना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो केस हैं, तो हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, एक तरफ केस फर्स्ट लिखेंगे और दूसरी तरफ केस सेकंड लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया केस फर्स्ट केस सेकंड। तो केस फर्स्ट क्या था, जब हीटिंग मैक्सिमम थी। आपने देखा हो इलेक्ट्रिक आयरन में वो होता है घुमाने वाला, उसको घुमाते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम हीटिंग हो जाती है। तो जब हीटिंग मैक्सिमम थी तो पावर कितनी थी, पावर थी 840 वाट। हमने किससे पहचाना, इसकी यूनिट से पहचाना कि ये पावर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा आप शब्दों से भी पहचान सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम एनर्जी एट द रेट, जब भी रेट लिखा होगा ना एनर्जी के साथ तो समझ जाना कि वो पावर ही है, ठीक है। चलो खैर पावर हो गई। और इसके अलावा ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 220 वोल्ट, ठीक है। हमें करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, तो अभी हमारे पास एक फार्मूला है जो अभी अभी पढ़ा था, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। इसकी मदद से हम इजीली करंट निकाल सकते हैं, पी की जगह हम क्या रख देंगे 840, वी की जगह हम क्या रख देंगे 220, और आई हमें फाइंड आउट करना है। जीरो से जीरो कट गया, ऐसे काट सकते हैं सामने सामने, या फिर इसको नीचे ले जाओगे तब भी कट जाएगा। अब टू से काटो 11 बार, और टू से टू फोर जा एट और टू टू जा, ठीक है। अब 11 जो है वो डिवाइड में ले जाना ही पड़ेगा, तो 42/11 इज इक्वल टू आई, ठीक है। 42 को 11 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये निकल कर आएगा 3.82 इज इक्वल टू आई, तो आई निकल कर आ गया 3.82 एम्पियर। एक काम तो पूरा हो गया, करंट तो निकल गया,
जब हीटिंग मैक्सिमम थी तब। एक और काम बाकी है, रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, होता है ना, ये ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला हमने निकाला था। वी की जगह आ जाएगा 220 और आई जो है या तो ये वाला रख दो या फिर ये वाला रख दो 42/11। तो मैं तो यही रखूंगा। तो आई की जगह मैंने 42/11 रख दिया, आप इसे भी रख सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। 11 ऊपर चला जाएगा, 220 × 11/42। सॉल्व करके काट पीट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 57.60 ओम। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं, दो से कट जाएगा, फिर डिवाइड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो जिस तरह से हमने केस फर्स्ट में पावर और पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक करंट निकाला, पी इज इकल टू वी इंटू आई फार्मूला लगा दिया, फिर रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर इज इकल टू वी अपॉन आई लगा दिया और इजीली निकल गया। इसी तरह से सेकंड केस आप खुद करेंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया, सब कुछ सेम ऐसे ही करना है। ये समझ लो कि एक मिरर लाइन है, जैसे इधर किया वैसे ही उधर करना है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी। 840 वाट की जगह कितना आ जाएगा, 360 वाट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सवाल को एक बार फिर से समझते हैं, सवाल क्या था। ये सवाल एक इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में था जिसके एनर्जी कंज्यूम करने का जो रेट है वो 840 वाट है अगर हीटिंग होती है मैक्सिमम, लेकिन अगर हीटिंग मिनिमम हो तो वो 360 वाट ही कंज्यूम करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो करंट का पता लगाओ और रेजिस्टेंस का पता लगाओ। तो करंट का पता लगाने के लिए P इज इक्वल टू V इंटू आई फार्मूला लगाया और रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई लगा, इजीली हमने निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरह से आप खुद से करेंगे इस वाले पार्ट को। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12.11, पढ़ लेते हैं सवाल को, पहले क्या लिखा है इसके अंदर और क्या करना है। 100 जूल ऑफ हीट, देखो वैसे तो हीट लिखा ही है लेकिन जूल से समझ जाना, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है, वर्क की भी यूनिट होती है और हीट एक तरह की एनर्जी है इसलिए उसकी भी यूनिट होती है। तो एक तरह से हमें हीट मिल चुकी है 100 जूल। अब बढ़ते हैं आगे। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, एक और चीज मिल गई, टाइम। टाइम कितना है, ईच सेकेंड, ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, एक और चीज मिल गई। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चीजें मिलती चली जा रही हैं, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो। तो हीट मिल गई, टाइम मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, ये सब तो मिला है, अब निकालना क्या है वो देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, बस एक ही चीज निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारे पास सवाल से मिला है वो लिख लिया और जो निकालना है वो भी लिख लिया। अब बारी आती है एक सुइटेबल फार्मूले की, ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हों। तो अभी अभी हमने जो हीट के फार्मूले देखे थे, 3-4 फार्मूले हमने ड्राइव किए थे, उनमें से देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ये देखिए जरा, हीट का एक फार्मूला है वी आई टी, दूसरा है आई स्क्वायर आर टी, तीसरा है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीन फार्मूले हमारे सामने हैं हीट के, देखते हैं कौन सा इनमें से लगेगा। हमारे पास चीजें क्या क्या है, एच टी आर वी, इन चारों में से आई नहीं है हमारे पास, देख लो आई नहीं है हमारे पास, केवल हीट है हमारे पास, टाइम है, रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये दो फार्मूले तो कैंसिल करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। तो हमें जो आई वाले दोनों फार्मूले हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा और ये वाला लेना पड़ेगा। इसके अंदर देखो एच वी आर टी वही चीजें हैं जो हमारे सवाल के अंदर मौजूद हैं। तो हम ये वाला फार्मूला सबसे सुटेबल लगता है, इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, उन दोनों को हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उन दोनों के लिए आई की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं तो पहले आई निकालना पड़ेगा आपको। तो बेहतर होगा कि हम ये वाला फार्मूला लगाएं, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। H की जगह हम क्या रख देंगे 100, V स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, वो तो निकालना ही है। R की जगह हम क्या रख देंगे 4 और T की जगह हम क्या रख देंगे 1। ठीक है, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस 1 को मैं हटाने जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है,
वन को हटा दिया और फोर इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड रूट लग जाएगा 400 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखो साइड में 400 का जो रूट है वो क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू वी। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि 400 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। तो V जो है वो कितना आ गया, 20 वोल्ट के इक्वल आ गया। बड़ी आसानी से हमने इस सवाल को कर दिया। सबसे पहले हमने सवाल में से चीजें निकाली क्या क्या दे रखी थी, फिर हमने स्विटेबल फार्मूला देखा, फार्मूला लगा दिया और इस तरह से हमारा सवाल बड़ी आसानी से हो गया। तो देखिए स्विटेबल फार्मूला आप तभी लगा पाएंगे जब फार्मूले आपको याद होंगे, तो फार्मूले साथ साथ पक्के याद करते हुए चला करें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आ गए हैं हमारे सामने। पहला सवाल लिखा है, Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? किसी भी हीटर की जो कॉर्ड होती है, पहले देख लो कॉर्ड होती क्या, ये कॉर्ड होती है, ये हीटर है और उसको जो स्विच बोर्ड से जोड़ने वाला जो तार होता है उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, कॉर्ड कहा गया है। तो कॉर्ड जो होती है इलेक्ट्रिक हीटर की नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करती वाइल हीटिंग एलिमेंट डज, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, कहाँ होता है हीटिंग एलिमेंट, ये अंदर होता है, ये हीटिंग एलिमेंट लिखा हुआ है, ये ग्लो करता है लेकिन ये ग्लो नहीं करती, ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है हमारा। सवाल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो तो ग्लो करता है लेकिन ये जो कॉर्ड होती है ये ग्लो नहीं करती, इसकी वजह क्या है। इसकी सीधी सी वजह ये है कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है और हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि एलिमेंट के अंदर ज्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पीछे भी हमने पढ़ा था हीट जो होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट उसके अंदर डेवलप होगी। जबकि अगर कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड का रेजिस्टेंस लो होता है क्योंकि ये कॉपर वायर की बनी हुई होती है, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से कॉर्ड के अंदर हीट डेवलप नहीं होती, या होती होगी तो बहुत मामूली होती होगी जिसकी वजह से ये ग्लो नहीं करती। अब यही चीजें हमने आंसर में लिख दी है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज अ रेजिस्टर एंड वी नो दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो पूरी तरह से क्या होता है कि रजिस्टर होता है और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टेंस के। सो बिकॉज ऑफ द हाई रजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट मोर हीट इज जनरेटेड इन द एलिमेंट, दैट्स वाई इट्स ग्लो। ऑन द अदर हैंड द रजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड इज लो सो इट डज नॉट ग्लो। कॉर्ड का रेजिस्टेंस लो होता है इसकी वजह से उसमें कम हीट जनरेट होती है और वो ग्लो नहीं करती। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने लिखा हुआ, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। क्या निकालना है, हीट जनरेटेड मतलब कि हीट निकालनी है, ठीक है। व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो ये क्या दे रखा है, हमें चार्ज दे रखा है और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। 96 कूलम दे रखा है, ओह 96,000, ठीक है। इसके बाद इन वन आवर, तो टाइम भी दे रखा है 1 आवर, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो हमें हीट जनरेट निकालनी है तो हीट का हमें सबसे पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा, स्वीटेबल फार्मूला जिसमें ये चारों चीजें हमें मिल जाएं। तो देखते हैं कौन सा फार्मूला है, या फिर हम ऐसा करते हैं कोई सा भी फार्मूला अपनी मर्जी से लगा देते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे जो चीजें हमें दे रखी हैं उनके हिसाब से। तो हीट का सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो ये होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फार्मूले के अंदर आई है लेकिन यहाँ पे कहीं भी आई दिखाई नहीं देता, तो हम इस आई को यहाँ से बदल देंगे। हमारे पास आई का एक फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी, जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था। तो अगर हम आई की जगह क्यू अपॉन टी लिख देते हैं तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन टी का स्क्वायर। एक और चीज है, आर, आर इस पूरे में हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो आर को भी हमें बदलना पड़ेगा। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए ना, इनको हटा के मैं इधर की साइड इसको दोबारा से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ये मैंने लिख दिया यहाँ पे,
तो आई स्क्वायर को तो मैं आई स्क्वायर ही रहने देता हूँ, पहले आर की जगह लिखता हूँ वी अपॉन आई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना, एक आई से ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे लिखा इस तरीके से। अब ये बन गया आई वी और टी। अब क्योंकि हमारे पास आई नहीं है तो आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई की जगह हम लिख देंगे क्यू अपॉन टी इंटू वी टी। अब टी से टी कट जाएगा और क्यू इंटू वी बन जाएगा हीट का एक नया फॉर्मूला। तो फिर से देख लीजिए, हीट का फॉर्मूला लगाया आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, आर की जगह वी अपॉन आई लिख दिया। आर को हमने इसलिए बदला क्योंकि इस पूरे में कहीं भी आर नहीं दिया हुआ था, तो आर की जगह हमने वी अपॉन आई लिख दिया। आई से आई कैंसिल हो गया, आई वी टी बच गया। अब क्योंकि आई भी नहीं दे रखा था तो आई की जगह हमने लिखा क्यू अपॉन टी यहाँ पर, फिर टी से टी कट गया तो हीट का नया फार्मूला तैयार हुआ क्यू इंटू वी। अब हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपना सवाल करने में, तो एच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी रह गया बस। क्यू कितना है 96,000 और वी कितना है 50, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 की 96 में मल्टीप्लाई करके 480 आ गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लग गई। तो इतने जूल हमारी हीट निकल कर आ गई। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, जूल होता है। या तो ऐसे ही छोड़ दो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डेसिमल जो लास्ट में होता है, जब हमें कहीं डेसिमल दिखाई नहीं देता समझ जाओ कि वो लास्ट में है, और लास्ट से उसको यहाँ तक लाना पड़ेगा 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस चल के डेसिमल यहाँ पर आया तो 10 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सवाल को फिर से समझते हैं एक बार। सवाल को पढ़कर हमने पता लगाया कि ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्वीटेबल फार्मूला ढूंढना शुरू किया। बेसिक फार्मूला होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई और आर हमें दे नहीं रखे थे तो हमने इन दोनों को बदल के नया फार्मूला तैयार किया हीट का, एच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। नया फार्मूला तैयार होने के बाद हमने उसे लगा दिया। इस फार्मूले में टी की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए उसको हमने नहीं रखा। क्यू की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप अपना सवाल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ये सारी चीज़ें लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, लिखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना ले रही है वो 5 एम्पियर का। कैलकुलेट द हीट डेवलप, हीट कितनी डेवलप होगी इसका पता लगाना है, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड, टाइम जो है वो 30 सेकेंड दे रखा है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा जो फॉर्मूला होता है हीट निकालने का आई स्क्वायर आर टी बेसिक फार्मूला, उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। आई आर और टी चाहिए होता है, तो R भी है, I भी है, T भी है, सब कुछ है, तो सीधे सीधे इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। I की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 और उसका स्क्वायर, R की जगह क्या रखेंगे 20 और T की जगह पे क्या रखेंगे 30। टाइम जो है वो सेकंड में ही होना चाहिए जब आप हीट निकाल रहे हो। 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके आ चुका है 15,000 जूल। क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, दोनों लिख लिए, और साथ ही साथ टाइम दे रखा था 30 सेकेंड, उसे भी लिख दिया, और क्या निकालना था, हीट कितनी डेवलप हुई वो निकालनी थी, तो ईजिली हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।